हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सीएसआईआर आईएचपीटी का दौरा किया। राज्यपाल ने संस्थान की विभिन्न शोध एवं विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान के 350 केवीए और सौर विद्युत सुविधा, संस्थान परिसर के मार्ग और पुल का उद्घाटन किया। शोधार्थियों के लिए संस्थान में बनने वाले 120 कमरों के हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इसके निर्माण पर 30 करोड़ की लागत आएगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 21 तेल निष्कर्षण इकाइयों को प्रदेश के किसानों को समर्पित किया। संस्थान की शोध गतिविधियों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल ने गहरी रुचि दिखाई। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने प्रतिभागिता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान द्वारा क्राइसेंथेम की 5 किस्मों तथा गुलाब आर्टिमिजिया, डेक्रोसी फेलम, बेलेरियाना और मैरीगोल्ड की एक एक विकसित किस्मों की कृषि तकनीक की जानकारी युक्त ब्रोशरों का भी विमोचन किया। राज्यपाल की गरिमापूर्ण उपस्थिति में संस्थान ने शोध और विकास पर 4 समझौते ज्ञापन किए। इससे पूर्व निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने संस्थान की गतिविधियों का परिचय राज्यपाल महोदय को दिया तथा विभिन्न शोध एवं विकास सुविधाओं एवं गतिविधियों को दर्शाया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में संस्थान की शोध एवं विकास गतिविधियों को सराहा। उन्होंने आशा प्रकट की कि संस्थान हिमालय की अपार जैव संपदा की क्षमता का लाभ उठाते हुए विकसित कृषि तकनीकों एवं विकसित उत्पादों से निश्चित तौर पर किसान एवं उद्यमी अवश्य लाभान्वित करेगा। उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे अपने शोध से ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित करें जिससे जैव आर्थिकी को बढ़ावा मिले और राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो और नए भारत का निर्माण हो सके। वैश्विक स्तर पर आने वाला समय भारत का होगा। शोध केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित न रहे, अपितु इसे प्रक्षेत्र में उतारा जाए, स्टार्टअप शुरू किए जाएं तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण और नैतिकता अपनाने पर भी बल दिया। विज्ञान एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भी राज्यपाल ने सराहा। सोलन में ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को काफी हानि पहुंचाई है, जिसकी वजह से उनके सारे वर्ष की मेहनत पर पानी फिर गया है। मटर, प्याज, आलू, गेहूं, गोभी और अन्य फसलें काफी हद तक खराब हो चुकी हैं। अन्नदाता किसान आने वाले समय में अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। किसानों के साथ ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ हो, पहले भी इस तरह की घटनाएं किसानों के साथ हुई हैं, लेकिन पहले महंगाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर चलाने में दिक्कत परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब उनका गुजारा कैसे होगा, यही बात किसान को सता रही है। किसान सभा के जिला सचिव प्यारे लाल और अन्य किसानों ने अपने दिल का हाल मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए वे कई वर्षों से सरकार को गुहार लगाते आ रहे हैं कि मुश्किल घड़ी में सरकार किसानों को कोई राहत प्रदान करे, लेकिन सरकार किसानों को किसी भी तरह का मुआवजा प्रदान नहीं करती है, जिसके चलते अब किसान मुआवजे की मांग करना भी भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के बगैर केसीसी से इंश्योरेंस के पैसे काटे जाते हैं, तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को इतनी हानि हुई है कि शायद किसान केसीसी की किस्त तो दूर अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे किसानों की मदद करे और उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाए, बिना मुआवजा देकर किसानों को राहत पहुंचाए।